देखिए क्या शानदार बल्लेबाजी और क्या शानदार जीत। जीएस विवेक के पास चलते हैं सीधा, और वहां पर मुझे पूरा यकीन है कि फैंस काफी उत्साहित हैं अब भारतीय टीम की परफॉर्मेंस को लेकर। विवेक, प्रीति, और अगर हम विराट कोहली की बात करें तो उनके बैटिंग के बारे में हम खुद ही फैंस से कोहली भाई क्या कोई को बोल सकता है क्या? एक नंबर बैट, पूरा परफेक्ट देखिए क्रिकेट का। सबको बहुत मजा आया आज विराट कोहली की बैटिंग देखकर। लास्ट बॉल में छक्का मारो सेंचुरी पूर्ण के लिए, एक नंबर। इतनी यहां पर तारीफ की जाए विराट के बैटिंग की उतनी कम है, लेकिन यहां पर आपको उतनी ही तारीफ करनी पड़ेगी केएल राहुल की भी, प्रीति, जिन्होंने रन नहीं बनाए और अंपायर रिचर्ड पेडलब्रो के लिए। विवेक, तारीफ के लायक आज पूरी ही टीम की परफॉर्मेंस रही है, और जिस तरह से पूरे देश में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि पूरा भारत आज अपनी टीम को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए ऐसा लग रहा है ये टीम पूरी तरह से तैयार है। और कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहूंगी पुणे के क्राउड को भी, मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट क्राउड वर्ल्ड कप के मैचेस में अगर अभी तक दिखा है तो वो पुणे में दिखा है। कोहली कोहली के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं, स्टेडियम में पटाखे छूट रहे हैं, और लगता है पूरी कोहली आर्मी के पीछे यहां से ना एक ही आवाज सुनाई दे रही है, और वो है कोहली और कोहली की, क्योंकि कोहली ने जो शतक यहां मारा है उसके सामने कोई नहीं आया। भले हम रिचर्ड केटलब्रो को क्रेडिट दें कि उन्होंने वाइड नहीं दिया, लेकिन आज विराट की बैटिंग देखकर यहां पर हर कोई बंदा फिदा हो रखा है विराट की बैटिंग को लेकर, और इसीलिए फैंस भी यहां बेहद खुश है कि चार मैचों में चार यहां पर बड़ी जीत मिली है, और अब न्यूजीलैंड का इंतजार है यहां पर। बिल्कुल, न्यूजीलैंड का इंतजार है अब टीम इंडिया को। ये दो ऐसी टीम है जिन्होंने अभी तक चार खेले गए अपने मुकाबलों में से एक भी मुकाबला नहीं हारा है, दोनों इक्वल पॉइंट्स पर इस वक्त है। और साथ ही आपको बता दें कि अगला मुकाबला इन दोनों के बीच ही है जो धर्मशाला में 22 तारीख को खेला जाना है। संजय बांगर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे भी पूछना चाहूंगी, आज की टीम की जो परफॉर्मेंस देखी ओवरऑल, गेंदबाजों को पहले आपने देखा, फिर उसके बाद बल्लेबाजों ने जिस आसानी से ये लक्ष्य को हासिल कर लिया, टीम इंडिया वर्ल्ड कप के और करीब आती जा रही है, फैंस तो यही समझ रहे हैं। बढ़िया प्रदर्शन रहा देखिए प्रीति, और खास बात यह है कि आज सभी, मतलब कोई स्टैंड आउट बॉलर नहीं था, सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, और हार्दिक पांड्या की थोड़ी सी गैर मौजूदगी वहां महसूस हुई बॉलिंग के अटैक में, मगर मेरे लिए जो विराट कोहली का शतक था उसमें सबसे खास बात ये थी कि किस तरह से उन्होंने पहले दो बार इस विश्व कप में वो शॉर्ट बॉल के ऊपर आउट हुए, आज एडजस्टमेंट किया, वो शॉर्ट बॉल को जानने दिया, हल्के हाथों से खेले या फिर उनका रिस्ट भी रोल किया, तो कैसे महान खिलाड़ी अपनी गलतियों से सीखते हैं, तुरंत ही सीख लेते हैं, अमल करते हैं और सफलता पाते, इसका एक बहुत शानदार नमूना आज देखने को मिला। बिल्कुल शानदार पारी रही, और 48वां अपना वनडे इंटरनेशनल शतक भी हासिल किया विराट कोहली ने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।